नमस्कार साथियों, आरटीई फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने के अगले चरण में हम आते हैं। स्कूल फीस स्ट्रक्चर कैसे अपलोड करें, स्कूल फीस संरचना को कैसे अपलोड करें, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और बने रहे वीडियो के अंत तक। स्कूल फीस स्ट्रक्चर अपलोड करने के लिए हम जाएंगे स्कूल फीस प्रबंधन में और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चौथे नंबर के ऑप्शन में स्कूल फीस संरचना अपलोड करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से एक नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं स्कूल का फीस स्ट्रक्चर में हस्ताक्षर कर तथा फीस बुक की हर कक्षा की एक रसीद एक पीडीएफ बनाकर मैक्सिमम 1 MB में अपलोड करना है और इस फीस स्ट्रक्चर को हमें पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ वर्ष चुन लेते हैं, इस तरह से वर्ष चुन लेते हैं और वर्ष चुनने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन खुल जाएगा चूज़ फाइल। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमने जहाँ पीडीएफ बनाकर सेव किया है हम उस जगह पर चले जाएंगे, उस फोल्डर में जाएंगे और फीस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपने जहाँ जिस फोल्डर पर इस फीस स्ट्रक्चर को रखा है वहाँ पर चले जाएं और वहाँ चुन लें और यहाँ से देख सकते हैं ओपन करेंगे तो यहाँ से जो पीडीएफ है हमारी वह सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ देख सकते हैं उस पीडीएफ को अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से अपलोड एडमिशन डिटेल अंडर आरटी, यहाँ से इस बटन पर क्लिक करेंगे तो जो पीडीएफ सेलेक्ट किए हैं वह अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से अपलोड हो जाने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ फीस स्ट्रक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो साथियों, इसके बाद पुनः हम स्कूल फीस प्रबंधन में जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं स्कूल फीस संरचना लॉक करें। तो यहाँ एक बात ध्यान दिला दें हम, आप स्कूल फीस संरचना लॉक करने के पहले लॉक किए गए फीस संरचना में जाएं और जो तुरंत हमने पीडीएफ अपलोड किया है उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हमने जो फीस स्ट्रक्चर अपलोड किया है वह सही अपलोड हुआ है या नहीं और सही पीडीएफ अपलोड किए हैं या नहीं। वह इस तरह से यहाँ डाउनलोड हो जाता है पीडीएफ, उसे एक बार देख सकते हैं हम और देखने के बाद उसे इस तरह से देख सकते हैं, यह फीस स्ट्रक्चर का पीडीएफ है जो हमने अपलोड किया है। ये मिलान करने के बाद हम पुनः हम चले जाएंगे स्कूल फीस प्रबंधन में और यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल की फीस संरचना लॉक करें। तो यहाँ से इस तरह से पेज खुल जाएगा नया पेज और यहाँ वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे और वर्ष सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं लॉक फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमने जो फीस स्ट्रक्चर अपलोड किया है वह फीस स्ट्रक्चर लॉक हो जाता है। तो यह थी आज की जानकारी, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले चरण में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।